सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लगाने वाले अपनी बाइक के अंदर शॉकर कवर लगाने वाले हैं, और गाइस हम लगाने वाले अपनी बाइक के अंदर जो गियर एंड ब्रेक लीवर देखा है आपने, स्टॉक देखा होगा, बट मैं उसके अंदर क्या है गाइस, कुछ डिफरेंट तरीके से लगाने वाला हूँ। CNC वाले जो लीवर एंड ब्रेक लीवर है, लीवर जो हमारे दोनों हैं, तो एक ब्रेक का है और एक हमारा गियर लीवर होता है, तो गियर शिफ्टिंग वाला लीवर है, दोनों हम चेंज करेंगे। और इसी के साथ मैं लगाऊंगा मैं अपनी बाइक के अंदर टेल टाइडी, काफ़ी अच्छे मटेरियल के बनी हुई है, फुल फिक्स उसके अंदर आपको मिलेगी, जो KTM की जो स्नैक फिट होती है, मतलब कपलर से कपलर होता है, जिस तरीके से आप बोलो या कुछ भी कह रहे हो, मतलब आपको उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी नहीं पड़ेगी, कोई लंबे स्क्रू नहीं लगाने पड़ेंगे, बस आपने क्या लगाना पड़ेगा, 10 नंबर के स्क्रू लगाने पड़ेंगे। और जो गाइस गियर लीवर और ब्रेक लीवर है उसके अंदर हम लगाएंगे एज इट इज़, ऐसा ही लगेगा गाइस, आप देखने में देखो कितना मस्त लगेगा। आपने पहले जो मेरी पावर पार्ट की वीडियो देखी होगी उसके अंदर मैंने वो दिखाए थे, लेकिन आज कुछ अलग हैं दोनों में। तो एक है थोड़ा, आप देखोगे उसके अंदर इस टाइप का आ रहा है, जो डिज़ाइन आ रहा है तो कोने कोने किससे निकले में, और एक है गाइस सिंपल सा है, जिस तरीके से हमारा जो बाइक का लीवर आता है स्टॉक लीवर होता है, तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को दोनों लीवर के अंदर क्या फ़र्क है और जितने भी पार्ट्स हैं हम कौन कौन से अपनी बाइक के अंदर हम लगाने वाले हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मेरे पास में पावर पार्ट्स हैं कुछ, ये देख पा रहे हो गाइस, ये इसकी ये बात कर रहा था मैं, तो ये सबसे अलग ही है जो आपको गियर एंड ब्रेक लीवर मिलता है। तो ये गाइस हमारा वही डिज़ाइन का है जिस तरीके की आपकी बाइक के अंदर लगा रहता है, ये हमारे कुछ शॉकर कवर है, तो आपने देखा होगा जो हमारी बाइक के ऊपर जो लगा होता है वो ब्लैक सा एक कवर लगा रहता है। अब हम क्या करेंगे, उस कवर को निकालने के बाद में ये वाला लगा देंगे, तो लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगा। और तीसरी चीज़ आ जाती है हमारी ये टेल टाइडी गाइस, जैसे कि आप टेल टाइडी देख रहे हो, ये हमारी फोल्डिंग वाली टेल टाइडी है, और पूरी की पूरी हमारी जो बनी गई है ये KTM RC के लिए बनी गई है, और आप इसको ड्यूक के अंदर भी लगा सकते हो। और बाकी जो इनकी जो इन्फॉर्मेशन है गाइस वो मिल जाएगी आपको टेक्नोमान स्टोर के ऊपर। और इसी के साथ में गाइस, ये जो आप टेल टाइडी देख रहे हो उसके साथ में येली लाइट आती है, बट ये जो लाइट है इस कलर के साथ में मैच नहीं कर रही, ये मैट कलर आ जाता है, ये आ जाता हमारा जेड ब्लैक। तो हम क्या करेंगे, इस वाली टेल टाइडी को हटा, लाइट को हटा देंगे, और हम लगाएंगे इसके अंदर अपनी ये वाली टेल लाइट, जो हमारी स्टॉक वाली होती है, जो हमारी स्टॉक टेल लाइट टेल टाइडी के साथ में होती है। तो गाइस ये देखना, ये इस कलर के साथ में बिल्कुल ही मैच कर रही है, देख रहे हो गाइस। अब फटाफट ये जो पार्ट्स हैं इसको हम लगाते हैं अपनी बाइक के अंदर, लगाने के बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को जो लुक है गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्यारा आएगा। जैसे कि आपने देखा हमारी बाइक के जो गियर एंड ब्रेक लीवर होते हैं वो ज़्यादा क्या बोलते हैं आपको दिखते नहीं है, तो अब क्या करेंगे, ये एकदम से दूर से ही शाइनिंग मारेंगे, तो आप देख पा रहे हो गाइस पूरे पूरे ये हुए हैं, और देख पा रहे हो गाइस इसकी जो लुक है, और काफ़ी अच्छी लुक है इसके अंदर जो दे रहा है। और आप देख रहे होगे, आपको लग रहा होगा ये थोड़ा बड़ा साइज़ है, ये छोटा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं गाइस, ये बिल्कुल सेम साइज़ है, और जो इसका जो साइज़ है आपको पूरा का पूरा वही साइज़ मिलेगा जो आपका स्टॉक वाला गियर एंड ब्रेक लीवर का होता है। तो चलिए गाइस फटाफट अपनी इन चीज़ों को लगाते हैं अपनी बाइक के अंदर। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा वैसे वाला जो हमारे स्टॉक टाइप का होता है, तो हम आप लोगों को दूसरा लगा के दिखाते हैं, जो दूसरा वाला है ये वाला, ये इस हमारी बाइक के अंदर किस तरीके से नज़र आएगा। और गाइस जो हमारा दूसरा वाला है, तो दूसरा वाला कुछ इस तरीके से इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस आप लोगों को एक इन्फॉर्म कर दूं, ये जो है इस टाइप वाला, तो जो हमारा सेकंड वाला है ये हमारा RC के लिए नहीं बना, बिकॉज जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो इसका बैली पैनल है ना गाइस, इसके अंदर पीछे अटक रहा है, जिससे क्या हो रहा है हमारा जो लीवर है अच्छे से शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये जो हमारा लीवर है हमारा RC के लिए नहीं है, ये ड्यूक वगैरह के अंदर आपका लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो लीवर है, तो इस लीवर को हम लगा देंगे अपनी बाइक के अंदर, इसका जो सेट है पूरा, दोनों को दोनों सेट इसके अंदर ये वाले हमारे लीवर लग जाएंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये वाला लीवर हमारा स्टॉक वाला और ये वाला लीवर बिल्कुल सेम है, ऊपर से जो हमने इसके अंदर दूसरा वाला लगाया था उसके अंदर का जो पार्ट था ये थोड़ा उस साइड में जा रहा था, जिसकी वजह से वो पार्ट है हमारी बाइक के अंदर अटक रहा था। तो ये वाले लीवर हैं अपनी बाइक के अंदर, इसको इंस्टॉल कर दें। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस साइड का जो लीवर है वो अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है, और गाइस एक नंबर लग रहा है बाइक के लगने के अंदर। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस साइड का जो लुक है वो कैसा नज़र आ रहा है। तो जैसे कि हमने इस टाइप का यहाँ पे लगाया है, और गाइस सेम प्रोसीजर रहेगा हमारा उस साइड में लगाने का,
तो एक बार आप लुक चेकआउट कर लो। जो हमारा स्टॉक वाला था सेम ऐसा ही है, लेकिन जो उसकी जो गाइस लुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी आती है। जैसे कि मैंने ऊपर भी पावर पार्ट्स लगा रखे हैं, साइड में पावर पार्ट्स लगा रखे हैं, काफ़ी पावर पार्ट्स है। तो ये देख पा रहे हो, ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। सो गाइस जैसे कि आप ये वाले टेल टेडे देख रहे हो ना, अगर मैं पीछे से देखूं तो इसके अंदर थोड़े थोड़े इंडिकेटर जो ना हमारे छुप जाते हैं, मतलब कि जिसके अंदर 3 LED होती है ना, 2 LED हमारी छुप जाती हैं। और आप देख पा रहे हो बस इसके अंदर से जो पीछे से आती है हमारी 1 LED नज़र आती है। अगर हम इस साइड से देखेंगे तो इस साइड से हमारी पूरी दिखेगी, लेकिन पीछे से हमारी 2 LED दिखती है। तो इस वजह से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो सोचा है कि इसके अंदर कोई अच्छी सी टेल टेडी एक बार ही लगा दिया जाए। तो देख पा रहे हो ये भी अच्छी है, लेकिन इसमें से 2 LED जो छुप जाती हैं, एक ही सिंगल इसके अंदर LED नज़र आती है। तो क्या करेंगे, वो वाले जो CNC वाले टेल टेडी थी हम इसके अंदर लगाएंगे मेटल वाली निकाल के। सो गाइस हमारा जो गियर लीवर है वो भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है, और देख पा रहे हो गाइस कितनी अच्छी जो लुक आ रही है, जो गियर लीवर शिफ्टर है वो अच्छे से इंस्टॉल हो गया, इधर का भी हो गया और हमारा इधर का भी हो गया। और देख पा रहे हो गाइस कितनी प्यारी जो इसके अंदर लुक आ रही है। तो अब लगाते हैं अपनी बाइक के अंदर टेल टाइडी। सो गाइस टेल टाइडी इसके अंदर इंस्टॉल कर चुके हैं हम, और देख पा रहे हो गाइस जो आपने देखी होगी ना जो लुक, जो सुपर बाइक के अंदर जो टेल टाइडी लगे रहते गाइस, वो ये वाली टेल टाइडी होती है। और देख पा रहे हो कितनी जो प्यारी लुक है इसके अंदर वो आ रही है। और देख सकते हो गाइस पीछे से इंडिकेटर वगैरह हमारे सब अच्छे से दिख रहे हैं, जिसमें हमारी जो पहले वाली टेल टाइडी थी उसके अंदर हमारे इंडिकेटर नहीं दिखते थे। और इसमें देखो गाइस बहुत ही अच्छी जो लुक है इसके अंदर आ रहा है। और इसके अंदर जो हमारी स्टॉक वाली जो टेल लाइट लगी है ना, उसका भी कोई जवाब नहीं है, बहुत ही अच्छी जो लुक है इसके अंदर हमारी बाइक दे रही है। सो गाइस अब बारी आती है इन शॉकर कवर को लगाने के। सिंपली होता है, देखो गाइस इसके अंदर एलन के वाले स्क्रू आप देख पा रहे हो ना, ये दोनों तरफ के टाइट होंगे और ये हमारा जो है इसके ऊपर कवर प्लास्टिक वाला, ये हमारा कवर ऐसे निकल जाएगा। बस हमने करना है कि इसको लगाने के बाद में ऊपर से जो एलन के वाले नट हैं इसको हमने टाइट कर देना है। सो जो गाइस इसके ऊपर जो कवर था वो पहली बार निकला है इसके अंदर से, और गाइस देख पा रहे हो सेम जो हमारा डिज़ाइन है उसके CNC कवर के अंदर गाइस देख पा रहे हो बिल्कुल सेम डिज़ाइन है। अब ये क्या होगा, इसके ऊपर इस तरीके से रख के ये जो ढीला पन है ना इसका, तो ये नट टाइट करने से इसको इसके अंदर ही फिट हो जाएगा और कोई भी इंसान ये निकाल नहीं पाएगा गाइस। सो गाइस हमारे जो शॉकर कवर है वो भी इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है, और गाइस लगने के बाद मैंने एक बल्की लुक हमारा हैंडल बार वो दे रहा है। और देख पा रहे हो गाइस कितनी प्यारी इसके अंदर जो लुक है वो आ रही है अभी तक का, यानी कि हमारे देखो गाइस ये CNC हो गया, इसका कवर CNC हो गया, ये हो गया, और इसके अंदर एक जैकेट भी आती है जो हमारी की जैकेट होती है, तो वो भी है, आप लोगों को जल्द दिखा दूंगा मैं ये किस तरीके से इसके अंदर लगते किस तरीके से नहीं। और देख पा रहे हो गाइस कितनी प्यारी इसके अंदर लुक आ गई, यहाँ से ऑरेंज, ये ऑरेंज, नीचे ऑरेंज, इधर ऑरेंज, इधर ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज, हर जगह ऑरेंज ही ऑरेंज हो रहा है। हमारी बाइक का कलर भी वो भी हमारा ऑरेंज है। सो गाइज आप लोगों ने देखा मेरी KTM है वो फुल मॉडिफाइड दिन पर दिन होते जा रही है, हम कुछ ना कुछ इसके अंदर अलग से एसेसरीज लगाते जा रहे हैं, और जिससे हमारी बाइक का जो लुक है बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है। क्योंकि गाइज रोड पर चलते टाइम दिखनी चाहिए जी हाँ जी कोई बीस जा रहा है, कोई बाइक जा रही है, कोई अच्छी बाइक हो रही है। जो कोई भी भाई बाइक का शौकीन रखता है वो ज़रूर रुक के देखता है, पूछता भी भाई कौन सी 200 है या 390, तो ऐसे लुक पता नहीं चलता कि 200 है या 390 है गाइस। और जब गाइस रोड पे बाइक चलती है ना, कोई ऐसा इंसान भी नहीं होता होगा जो बाइक को देख के ना बोलता हो क्या बाइक बनाई है भाई। तो इसी के साथ में गाइस आप लोगों के लिए मैं एक और नया प्रोडक्ट लेकर आया हूँ जो हम अपनी बाइक के अंदर जल्द लगाने वाले हैं। ये है मेरे पास में HJJ की मिनी फोग लैंप, तो ये भी डुअल कलर के अंदर है। इस प्रोडक्ट की भी आपको वीडियो जल्द मिल जाएगी चैनल पे, इसीलिए आप कर लो चैनल को सब्सक्राइब। तो इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन बाय। और हाँ गाइस जितना भी जो प्रोडक्ट है ना अपने स्टोर पे या हमारी साइट पे आप इजिली बाय कर सकते हो। और गाइस आप लोगों को बता दूं कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती हमारे पास में, तो आपको प्रीपेड ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन बाय।